संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है आपको अध्ययन में हमारी वीडियो सहायक रही होंगी। कुछ समय से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, आज से हम फिर दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं और अनुवाद को लेंगे। इसमें हमने बताया था कि रचना अनुवाद कौमदी कपिल द्विवेदी जी की है, ये पुस्तक है। इस पुस्तक को आप अवश्य खरीद लें और इसके माध्यम से अनुवाद सीखने का प्रयास करेंगे। अनुवादों को देखा जाता है कि टेट सी टेट टीजीटी पीजीटी नेट तक में अनुवादों के बारे में व्यवस्था दी गई है, अर्थात अनुवाद सभी जगह आते हैं और एक से दो प्रश्न अवश्य रहते हैं। और इसके साथ ही अनुवाद केवल अनुवाद ही नहीं सिखाता, ये संधि समास कारक प्रत्यय जो कुछ भी होता है व्याकरण से संबंधित वो सारे अनुवाद के जरिए ही सीखे जा सकते हैं। और इसमें जो रचना अनुवाद कौमदी है कपिल द्विवेदी जी की, इतनी अच्छी पुस्तक है, अगर इसको क्रम से अध्ययन कर लिया एक से दो बार इस पुस्तक का, ये तीन पुस्तकें हैं रचना अनुवाद कौमदी की, ये मध्यम वाली है, इसमें शब्दकोश बहुत ही जबरदस्त दे रखा है, बहुत ही नियम से दे रखा है। तो आज हम थोड़ी सी इसके विषय में चर्चा करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम इसमें अनुवाद भी करने का प्रयास करेंगे और आज के बाद हम क्रम से इसको अध्ययन करेंगे। और उम्मीद है ये आपको बड़ी अच्छी ही लगेगी, इसकी पुस्तक की जो विधियां हैं। और इस पुस्तक को तो अवश्य ही खरीद लें क्योंकि इस पुस्तक के सहारे आप अनुवाद के अनुवाद में पारंगत हो जाएंगे, तो आपको फिर आगे चल के कोई भी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ थोड़ा सा डाल देते हैं अनुवाद। अनुवाद का सीधा तात्पर्य क्या होता है, वादमानी होता है कहना, अनुमानी पश्चात। कोई भी एक भाषा है जो बोली जा रही है उसके पश्चात दूसरी भाषा उसी वाक्य को दूसरी भाषा में बोलना ही अनुवाद कहलाता है। तो हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी संस्कृत में इसको हिंदी भाषा में जो बोला जा रहा है उसको संस्कृत में बदलने के प्रयास करेंगे, तो उसी को ही हम अनुवाद बोलेंगे यहाँ। तो यहाँ अनुवाद है रचना अनुवाद कौमदी में, इसमें देखिए चार पांच चीजें दे रखी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और मैं थोड़ा सा यहाँ इसकी रूपरेखा देने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें कई खंड किए गए हैं, इसमें का खंड है, खा है, गा है और घा है। इसमें जो व्यवस्था दी रखी है शब्दकोश में, इसमें दो हिस्से हैं, इधर अभ्यास के जो शब्दकोश हैं वो पूरा दे रखा है और उसी के अनुसार यहां दे रखे हैं कि आपको कैसे कैसे इनका अध्ययन करना है। और दूसरी चीज फिर इनके रूपों का संकेत भी दे रखा है कि रूप आपको किस पृष्ठ पर जाकर के मिलेंगे, तो वो आपको पृष्ठ संख्या पीछे इस पर पड़ी होगी, उस पर जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। और हम यहाँ प्रयास करा करेंगे कि जो भी यहाँ रूप दे रखे हैं उनको यहाँ बता दिया करें, तो यहाँ से रूप शब्द रूप और धातु रूप को भी बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज इसमें नियम भी दे रखे हैं, जो नियम है हमने कारकों में भी जाना है, षष्ठी विभक्ति का रह गया है, षष्ठी विभक्ति को हमने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि षष्ठी विभक्ति जो है वो उसका 70% भाग जो है प्रत्ययों पर डिपेंड करता है। जब तक हमारी समझ में प्रत्यय नहीं आएंगे, हम प्रत्ययों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे करेंगे तब तक षष्ठी विभक्ति समझ में मुश्किल से आती है। तो कोशिष करेंगे हम प्रत्ययों को शुरू दोबारा से करें, हमने दो वीडियो बनाई हैं तो उसका भी अध्ययन कराने का प्रयास करेंगे। हमारी जो जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चलेंगी, उनको क्रम से जब भी मौका मिले कराएगा तो उनकी एक एक वीडियो डाल दिया करेंगे। अब यहाँ पर जो व्यवस्था दे रखी है तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम, ये दो चीजें हैं इसमें। तो जो का है, क्योंकि इसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, अब जो विद्वान हैं उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है यहाँ पे, जो भी अनुवाद सीखने का यहाँ प्रयास करेंगे वो इसके लिए एक कॉपी ले लेंगे। उसमें क्या करेंगे कि आपको इस तरह से हिस्से करने हैं जिससे कि हम जो इसमें अध्ययन करेंगे किस की, जैसे मान लीजिए राम है, राम शब्द को हमने एक बार याद कर लिया तो एक पृष्ठ पर हम कॉपी के एक पृष्ठ पर उस राम शब्द को लिख लेंगे
और दूसरे जो पृष्ठ बचेगा, जो बाकी हिस्सा बचेगा, दोनों पृष्ठ इधर वाले पे हम राम शब्द पूरा लिखेंगे, और उसके बाद फिर नीचे जो जगह बचेगी और इधर वाली जो जगह बचेगी, या एक ही पृष्ठ पे हो जाएगा काम शायद, तो उसमें हम देखेंगे कि राम की तरह रामवत, अर्थात राम की तरह चलने वाले जितने भी संज्ञान होंगे या शब्द रूप होंगे उनको हम नीचे लिखते चले जाएंगे। जैसे इसमें दे रखा है राम ईश्वर बालक मनुष्य नर ग्राम नृप विद्यालय, ये सब जितने भी शब्द दे रखे हैं वो राम की तरह ही इनके रूप चलेंगे। तो हम एक बार इसको लिख लेंगे इसके शब्द रूप, उसके बाद हम इनको नीचे उनके लिखते चले जाएंगे शब्दों को, तो हमारे मस्तिष्क में एक व्यवस्था बनी रहेगी कि हमें राम का यदि रूप कंठस्थ याद हो गया तो दिमाग में जब भी कोई अन्य शब्द आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो किसकी तरह चलेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग कभी कभी समझ में नहीं आता कि इसका रूप पुल्लिंग की तरह चलेगा या नपुंसक लिंग की तरह चलेगा, स्त्रीलिंग की तरह चलेगा, तो वहां ये व्यवस्था बहुत ही काम करेगी। तो आपको कॉपी लेनी है, कॉपी से इस वाले पृष्ठ पर शब्द रूप लिखने हैं, और जैसे ही शब्द रूप हो जाए खत्म, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के बीच में 15 से 20 पृष्ठ छोड़ करके फिर शब्द रूप धातु रूप लिखने हैं। ऐसे ही जैसे भू धातु है, भू धातु को जब हम ले लेते हैं तो भू के जैसे रूप चलेंगे वैसे ही अन्य धातुएं जितनी भी हैं उनके भी रूप भू की तरह चलेंगे। तो वो कौन कौन सी धातुएं हैं, जैसे इसमें देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, भू है, पट है, लिख है, हस, गम, आगम, ये जो धातु रूप दे रखे हैं, धातु दे रखी है, इनके भू धातु की तरह ही रूप चलेंगे, अर्थात भवती भवतः भवंती, ऐसे ही पठती पठता पठंती, लिखती लिखता लिखंती, हसती हसता हसंती, और गच्छती गच्छता गच्छंती, इस तरह से इनके रूप चलेंगे। तो वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाएंगे कि भू की तरह चलने वाले रूप धातुएं कौन कौन सी हैं। इसमें भी अलग अलग धातुएं हैं, गण अलग अलग हैं, इसलिए धातुएं भी अलग अलग ही हैं और उनके रूप भी अलग अलग चलते हैं। तीसरी चीज इसमें जो दे रखी है यह संज्ञा और सर्वनाम की व्यवस्था हो गई। इसमें सर्वनाम भी दे रखे हैं, जैसे सा है, सा तत् का है, तो हमें तत् के रूप याद करने हैं, सा के सा, तौ ते, तम, तौ तान, इस तरह से रूप चलेंगे, वो सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वनाम और संज्ञा इस का के अंतर्गत दे रखे हैं इसमें। दूसरी चीज इसमें जो दे रखी है खा के अंतर्गत, खा में दे रखे हैं धातु, धातु शब्द अर्थात क्रिया शब्द जितने भी हैं धातु शब्द हैं। शब्द यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, क्रिया शब्द, ठीक है, क्रिया शब्द दे रखे हैं इसमें, जैसे भू पठ लिख हस गम आगम, इस तरह से ये दे रखा है। तीसरा इसमें जो क्रम है वो बहुत ही अच्छा बात बताया गया है इसमें। यहां देखिए अव्यय, जिन अव्ययों को हम याद करते हैं इसमें क्रम से अव्ययों का अध्ययन कराया गया है। इसमें दे रखा है अत्र इह यत्र तत्र कुत्र क्वा, ये सब अव्यय शब्द हैं, तो हमें अव्यय शब्दों को भी एक जो कॉपी है उसके एक पृष्ठ अंतिम में 10-20 पृष्ठ छोड़ने के बाद में जो धातुएं लिखी थी हमने उसके 10-20 पृष्ठ छोड़ देंगे, उसके बाद में हम अव्यय शब्दों को भी हम एक रूपरेखा के रूप में उसमें बना लेंगे कॉपी में, तो ये आगे चल करके बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। यदि हम किसी चीज का क्रम से अध्ययन करते हैं तो वो लगती थी हमें शुरू में छोटी है लेकिन बहुत विस्तृत हो जाती है। चीजें थोड़ी थोड़ी करी जाए और लगातार की जाए थोड़े समय तक तो ये बहुत विस्तृत रूप धारण कर लेती है। आपको ये जो मैं बोल रहा हूं आज बड़ा ही अटपटा सा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही आप मान के चलिए शुरुआत है और आगे आने वाले समय में आप अनुवाद में पारंगत हो जाएंगे, ये मान के चलिए। घा में जो दे रखा है वो विशेषण है, विशेषण शब्दों के बारे में पूरा विस्तृत में इसमें समझाया गया है, तो इसमें थोड़ी सी बातें करते चलेंगे और इसमें हम थोड़ा सा आज समझते चलेंगे। ये अभ्यास है प्रथम, तो इसमें आपको पुस्तक खरीदनी ही है क्योंकि ये YouTube के माध्यम से मैंने कई बार समझाने का प्रयास किया है कि YouTube एक माध्यम हो सकता है समझने का लेकिन
पुस्तक का उसमें विकल्प ढूंढेंगे आप, पुस्तक का विकल्प यूट्यूब कभी भी नहीं हो सकता, न कभी था न है न होगा, क्योंकि पुस्तक पुस्तक ही है। यूट्यूब ना होगा तो भी पुस्तक से अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन पुस्तक ना होगी तो यूट्यूब से आप कभी भी पारंगत नहीं हो सकते। तो यहां देखते हैं, अब आती है यहां पर इनके जो नियम दे रखे हैं बड़ी अच्छे दे रखे हैं। पहला दे रखा है व्याकरण, अब यहां व्याकरण से दे रखा है लट परस्मई पद कृत्रिवाच। अब पहले बार जो शुरू करेंगे यहां पर जो पहला अभ्यास है वो लट लकार से है और परस्मई पद का प्रयोग किया जा रहा है, आत्मनेपदी आगे आएगा, और कृत्रिवाच है। अब कृत्रिवाच, कर्मवाच और भाववाच ये तीन वाच भी होते हैं। अभी शुरुआत जो है वो कृत्रिवाच से है, पहले कर्ता तो समझ में आ जाए हमारे, उसके बाद में भाव भी समझ में आ जाएगा, भाववाच भी और कर्मवाच भी, क्योंकि ये आधार है। तो इन्होंने राम का जो रूप लिया है वो कर्ता और कर्म दो में बताने का प्रयास किया है। जैसे हम जानते हैं कि कारक छह होते हैं और विभक्तियां सात होती हैं, तो इन्होंने दो कर्ता और कर्म में समझाने का प्रयास किया, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। प्रथमा विभक्ति को कर्ता के रूप में ही माना जाता है और द्वितीय विभक्ति को कर्म के रूप में माना जाता है, ठीक है। ऐसे ही वर्तमान काल में भू धातु लट लकार, वर्तमान काल में इन्होंने केवल प्रथम पुरुष का आज चर्चा की है, क्योंकि हम अब छोटे से अभ्यास से शुरू कर रहे हैं, ये मान के चलिए हम शैशवावस्था में शुरू कर रहे हैं इस चीज को। बड़े ही अच्छी व्यवस्था दी है कपिल द्विवेदी जी ने। तो यहां पर भवती भवता भवंती ये प्रथम पुरुष का है, इस प्रथम पुरुष को एक नाम और जाना जाता है, ये बहुत कई बार परीक्षाओं में आया है, प्रथम पुरुष को अन्य नाम, अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हमने विस्तृत में अपने YouTube चैनल पर चर्चा की है, जब हम कारक शुरू कर रहे थे वो कारकों के माध्यम से अनुवाद बनाया था हमने, अनुवाद वहां मुख्य उद्देश्य नहीं था, वहां मुख्य उद्देश्य था कारकों को सीखना, वो उदाहरण उनके जो थे अनुवाद के रूप में वो कारकों को सिद्ध करने के लिए थे। अब यहां कारक नहीं सीखेंगे, यहां कारक तो सीख चुके हैं और कारक के इसमें उदाहरण भी दे रखे हैं और कारक के नियम भी दे रखे हैं, अनुवाद अनुवाद सीखेंगे यहां पर और कारकों की सहायता लेंगे इसमें। तो अब इसमें पहला नियम कह रहे हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। एक एक शब्द को लेते चलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। शुरुआत है ये हमारी आज, ये मान के चल रहे हैं। तो यहां कहा है कि कर्ता के अनुसार तीन चीजें हैं और ये हमने बताया भी है अपने वीडियो में, मैं उनका उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, आप जाकर के उसको देख लें। कर्ता, क्रिया और इसमें दे रखा है वचन और दे रखा है इसमें पुरुष, ठीक है। कर्ता हम जानते हैं जो किसी कार्य को करता है वो कर्ता कहलाता है। क्रिया, कर्ता जिसको करता है, नहाना धोना रोना जाना आना ये सारी जितनी बातें हैं वो क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब वचन और जो पुरुष हैं वो कर्ता के अंतर्गत लगते हैं क्रिया में, ठीक है। यदि कर्ता एक वचन का है, एक वचन अर्थात कर्ता एक है, एक वचन का मतलब कर्ता एक है, तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी, ठीक है, अर्थात एक वचन में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। यदि कर्ता दो है तो ये द्विवचन में प्रयोग की जाएगी। यदि कर्ता तीन है या तीन से अधिक है, दो तक तो द्विवचन होता है लेकिन तीन या तीन से अधिक, यदि तीन भी हैं तो भी बहुवचन में, और तीन से अधिक हैं तो भी वो बहुवचन के अंतर्गत आएगा। तो उम्मीद है ये बातें समझ आएगी, बेसिक है, बहुत ही आधार है इनका छोटा सा, और ये हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है पहले भी वीडियो में। वचन हो गए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष क्या है? पुरुष बताता है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो कर्ता जिसका होगा, अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या है ये लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाकर के अवश्य देख लें, क्योंकि इसमें भी समय थोड़ा सा बर्बाद होता है। तो यहां पर प्रथम पुरुष आज चर्चा चल रही है, प्रथम पुरुष, ठीक है, या इसको बोलते हैं अन्य पुरुष, ये दो चीजें हैं।
एक ही नाम है दोनों के, अनुपुरुष भी बोल सकते हैं या प्रथम पुरुष बोल सकते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि मैं हम, दो शब्द याद रखना, चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं और हम, जब भी ये दो शब्द आ जाएं, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तू और तुम, ये दो शब्द आ जाएं, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इनको छोड़कर के, चार अक्षर हैं मात्र शब्द हैं, इनको छोड़कर के दुनिया में कुछ भी हो, कोई भी शब्द हो, वो सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये बात समझ में आई हो आपके आपके। जैसे इसमें दे रखा है सा पठति, उदाहरण दे रखा है, मैं बिल्कुल इसी से ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आप ये मान के चलिए एक एक शब्द इसी से लेंगे हम, और कहीं से नहीं लेंगे। सह पठति, वह पढ़ता है, सह पठति, तो सह जो है तत् का एक वचन का प्रथमा का एक वचन है, तो पठति पठ धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो यहां पर एक वचन ये है और एक वचन ये है, तो वचन से पता चल गया हमें कि एक वचन का इसमें प्रयोग किया जाएगा। दूसरा कह रहे हैं, दूसरे नियम में बोला है उन्होंने, भवत आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है। भवत, भवत मानी होता आप, आप शब्द के साथ हमेशा, क्योंकि आप हम लोग जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, उत्तम पुरुष में प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहां पर आप शब्द को याद रखना है कि ये प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होता है। यहां हमारे इस छोटे से चार्ट के माध्यम से भी पता चल जाता है कि ये प्रथम पुरुष में अर्थात अन्य पुरुष में ही प्रयोग होगा, क्योंकि मात्र चार ही तो हैं शब्द जो इसमें प्रयोग हो रहे हैं, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में। मैं हम उत्तम पुरुष में प्रयोग होगा, तू तुम मध्यम पुरुष में प्रयोग होगा, तो बाकी जो कुछ बच रहा है, तो बाकी में तो ये भवत भी आ रहा है, और स्त्रीलिंग में इसको भवती बोलते हैं। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में है, ये दोनों अन्य पुरुष के अंतर्गत अर्थात प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही प्रयोग किए जाएंगे। चलिए, तीसरा नियम है, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। तीनों लिंगों में, लिंग थोड़ा सा जान लें, लिंग, ठीक है ना, लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ये तीनों लिंग हैं। तो इसमें बोल रहे हैं ये कि ये तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। धातु है, जैसे भवती है, भवती शब्द तीनों लिंगों में एक जैसा ही रहेगा, चाहे स्त्रीलिंग हो वह या भवती से थोड़ी गच्छति, ठीक है, ये भी वही है, लट लकार है, परस्मै पद है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो कह जाए कि वह जाता है तो सह गच्छति, तो गच्छति, सह गच्छति, और वह जाती है तो सा गच्छति। तो लिंग में हमारे यहां देखने हैं, इसमें संस्कृत में कोई भी क्रिया में अंतर नहीं होता, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम में लिंग में अंतर हो जाता है। तो यहां पर याद रखना है, संज्ञा और सर्वनाम ये दो हैं, यहां लिंगों में फर्क पड़ता है, अर्थात उनके अनुसार क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिया वही रहेगी। चलिए, चौथा इसमें जो नियम दे रखा है, बुध कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। लिंग प्रमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रातपदिक शब्दों के बारे में जाना था, जो भी अर्थवान हैं, और भी बहुत सारी बातें जानी थी, उसकी भी अगर आप अध्ययन करना चाहेंगे तो हमने संज्ञा प्रकरण, विशेष संज्ञा प्रकरण में प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, तो वहां हमने संज्ञाओं के बारे में समझाया है, तो प्रातपदिक संज्ञा के बारे में बताया है। तो यहां वो बोल रहे हैं कि कर्ता में प्रथमा होती है, तो हमने बात करी थी, अभी चर्चा करी थी कि कर्ता में प्रथमा ही होती है और कर्म में द्वितीया होती है, ये इसमें नियम बना दिया, कर्म में द्वितीया होती है। तो कर्म में हमने बहुत सारे सूत्रों का अध्ययन किया है, अर्थात द्वितीय विभक्ति में,
कर्म होती है तो आप उनकी भी अध्ययन करते चलें साथ साथ। हालांकि इसमें वो आएंगे, सारे नियम आएंगे इसमें, लेकिन संपूर्ण नहीं आ सकते। अब दूसरी पांचवा जो नियम है, अपदम न प्रयुजीत, प्रयुजीत बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग ना करें, अर्थात में प्रत्यय अवश्य लगाएं। जैसे रामहा पठति, ऐसे ही रूप बनेगा, ऐसे नहीं बना सकते कि राम पठ। अब राम प्रातिपदिक है और पठ धातु है, तो हमें जब तक इनमें प्रत्यय नहीं लगाए जाएंगे, इसमें सु औ जस वाला प्रत्यय लगते हैं जिनको सुप बोलते हैं, और इनमें तिप्तस ही सिप्तस था धातुओं में, तो इनको तिंगंत बोलते हैं, ठीक है ना, तिंग प्रत्यय। जब तक वो प्रत्यय नहीं लगेंगे तब तक इनका प्रयोग नहीं होगा। आगे है, एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करें। एक अर्थ वाले अर्थात एक अर्थ पर्यायवाची तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक का ही इसमें प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक अर्थ वाले बहुत सारे पर्यायवाची तो उनका सबका प्रयोग कर दिया जाए। तो ये छोटी सी बातें थी इसमें, लेकिन अच्छी हैं बातें। अब हम थोड़ा अभ्यास पे चलते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, उसके बाद आपके दिमाग में थोड़ी सी रूपरेखा बन जाएगी, और उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब भी आप अध्ययन करें तो पुस्तक से अध्ययन करें और पुस्तक को जरूर ले लें। बिना पुस्तक के अनुवाद सीखना लगभग असंभव हो जाता है। इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है, पहला वह लिखता है, वह लिखता है, तो वह की इसमें जो दे रखी है संस्कृत वो सह दे रखी है। अब हमें ये देखना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि सह और सा दो होते हैं वह की, तो यहां अनुवाद इसके अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल अभी पुल्लिंग के बारे में चर्चा की गई है, अभी स्त्रीलिंग आगे आएगा। इसमें यही तो व्यवस्था है, एक तरफ से क्रम से चले हैं ये, पहले तो पुल्लिंगों को समझाया है, फिर स्त्रीलिंग को, फिर नपुंसकलिंग को, इस तरह से ये प्रयोग किए गए हैं। तो वह लिखता है तो हमें पता है ये पुल्लिंग है, तो वह की हमें पता है संस्कृत है सह, एक वचन है। लिखता है, लिख धातु है, इसमें ये दे रखी है लिख मानी लिखना, और लिख के रूप दे रखे हैं इसमें, संक्षिप्त रूप अंत में लगाकर अन्य शब्दों के रूप बनाइए, जैसे अति अतः अंति इसमें दे रखा है। हमने भी इनको बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, रूपों को कैसे बनाया जाए, परस्मैपदी में, शायद आत्मनेपदी में भी बताया है, तो मैं उनका भी लिंक नीचे दे दूंगा, आप उन पर जाकर के अध्ययन कर लें। तो रूपों को बनाने का उसमें तरीका दे रखा है, जैसे पट है, पट में यदि अति लगा देंगे, लिख है तो अति इसमें लग जाएगा, तो ये आ इसमें मिल जाएगा, बन जाएगा ये लिखती, ऐसे ही तीता अंति, इस तरह से बात करते हैं इसमें, तो बन जाएगा सहा लिखती। है कि संस्कृत की यहां आवश्यकता नहीं है। अब एक तरफ से नहीं देखेंगे इसको, क्रम से देखेंगे तो समय लग जाएगा। दूसरा इसमें देखिए, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब का प्रयोग किया जा रहा है यहां, तो बहुत सारे हो गए, दो होते तो गिनती होती, दो वे दो पढ़ते हैं, इसका भी एक है उदाहरण में देखेंगे। वे सब कह रहा है तो यहां पर हमें पता है कि साह मानी वह, तव मानी वे दोनों, ते मानी वे सब, तो ते का प्रयोग कर लेंगे, ते मानी वे सब पढ़ते हैं, पढ़ने की पठती पठता पठंती, क्योंकि हमें पता है कि बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, तो जो कर्ता का वचन होता है वही क्रिया का वचन होता है, ये हमने पहले जाना है, तो पठती पठता पठंती बहुवचन में पठंती, ये सीधा रूप बन जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक और देखेंगे इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है आज, कुछ बातें भी करनी थी। अच्छा, एक बिंदु यह है शुद्ध करने का है इसमें,
बीच बीच में से देख रहा हूं मैं, रामम विद्यालय गच्छति। अब यहां पर इसी के बाद मेरा वीडियो समाप्त करेंगे, बहुत बड़ा हो गया ये वीडियो। रामम गच्छति, रामम गच्छति, रामम विद्यालय गच्छति, तो इसको शुद्ध करना है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये अशुद्ध है? तो हमको देखना है कि जाने की क्रिया कौन कर रहा है। कर्ता की पहचान हमने जानी थी कि जो क्रिया को निष्पादन करे अर्थात वो पूर्ण करे वो कर्ता होता है। तो जा कौन रहा है? राम जा रहा है। तो राम जा रहा है, तो हमने जाना है कि कर्ता में एक वचन प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो रामम या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, तो हम सीधे इसमें क्या कर लेंगे? रामः प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे गच्छति के हिसाब से। अब राम गच्छति हम जो की तो उतार लेते हैं। राम कहां जा रहा है? जहां जाता है राम, जो जिस कार्य को करता है वो कर्म हो जाता है। तो विद्यालय आ रहा, तो विद्यालय में यहां प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, और हमने जाना है कि जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बन जाएगा यहां? द्वितीय विभक्ति इसमें लगा देंगे, विद्यालयम गच्छति। तो रामः विद्यालयम गच्छति, इस तरह से ये शुद्ध हो जाएगा। तो उम्मीद है ये हमारी छोटा सा प्रयास है आज, और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो देने का। और जो भी अध्ययन कर रहे हैं, जो विद्वान हैं, उनको तो आवश्यकता ही नहीं है पढ़ने की, वो तो कोई जरूरत नहीं। जो इसको पढ़ना चाह रहे हैं वो रचना अनुवाद कौमुदी अवश्य ले लें। जो दूर के हैं, जिनको नहीं प्राप्त हो रही है, वो किसी माध्यम से मंगा लें या मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं उनको एक नंबर दूं। जो ऐसे चौखंबा है प्रकाशन, वहां से मिल जाती है ये, दिल्ली में भी है, बनारस में भी है, शायद इलाहाबाद में भी कहीं ना कहीं हो, मिल जाएंगी। तो वहां से हम इनको रचना अनुवाद कौमुदी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।